हेलो दोस्तों, आज हम वोल्टास का वोल्टास स्मार्ट एसी अनबॉक्स करने जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट 185 वर्टिस स्मार्ट लाइट प्रोडक्ट है। तो ये स्मार्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है और इसके अंदर क्या क्या लेटेस्ट फीचर हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वोल्टास ने लगभग 2 मिलियन एसी सेल किए हुए हैं और इस साल जो ये नया प्रोडक्ट है इसके अंदर सबसे बेस्ट फीचर है कि इसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू कनेक्ट विथ योर मोबाइल। तो स्टार्ट करते हैं। सो इसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। अब इसको ओपन करते हैं बॉक्स को। तो ये प्रोडक्ट ओपन कर दिया है, अभी इसका ओनर मैनुअल ओपन करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये रिमोट का न्यू लुक आया हुआ है। पहले दूसरी तरीके से रिमोट आता था, अभी दूसरी तरीके से रिमोट आ रहा है। ओनर मैनुअल के अंदर इसके बैटरी मिलेगी और इसको हैंग करने के लिए फास्टनर्स और इसके अंदर दो ओनर मैनुअल मिलेगा, एक वाईफाई कनेक्टिविटी करने के लिए अलग और एक स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर के लिए ओनर मैनुअल। सो ये इसके साथ एक्सेसरीज आएगा। सो अभी हमने इंडोर ओपन किया है। सो इंडोर के अंदर अभी ये एक्सेसरीज मिला है, उसके बाद हम फिर आउटडोर ओपन करेंगे। अब हम आउटडोर ओपन करने जा रहे हैं। तो ये आउटडोर ओपन करेंगे तो इसमें इसका ये कनेक्टिंग पाइप निकलेगा। तो जब भी आप ओपन करेंगे तो इसको ज़रूर चेक कर लें, कनेक्टिंग पाइप होना ज़रूरी है। तो और ये कनेक्टिंग केबल है। तो उसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कनेक्ट करके इसके फीचर्स को चेक करेंगे। तो अभी हमने इसका इंडोर कनेक्ट कर दिया और आउटडोर कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप टेक्नीशियन हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कोई नया ऐसे इंस्टॉल करते हैं तो एक ये वैक्यूम पंप है, इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो मिनिमम 1.5 CFM का वैक्यूम पंप आपको आउटडोर से कनेक्ट करके लाइन को वैक्यूम करना है। अगर आप वैक्यूम नहीं करते हो तो एसी में आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, वो ज़्यादा करंट ले सकता है कस्टमर का, तो आप कनेक्शन पड़ जाएगा। अगर वैक्यूम नहीं करते हो तो वाटर लीकेज की समस्या आ सकती है। तो अगर आप कस्टमर हैं तो इससे ध्यान रखिए, कोई भी टेक्नीशियन या इंस्टॉलर एसी इंस्टॉल करने के लिए आता है, अगर ये मशीन लेके नहीं आता है, बिना इसके इंस्टॉल कर रहा है, वैक्यूम नहीं कर रहा है, तो इसको एसी चलाने से मना कर दें। पहले इसको वैक्यूम करें, मिनिमम 30 मिनट करना है, 30 मिनट वैक्यूम करने के बाद ही एसी चालू करना है। तो जब भी हम नया एसी इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर एक इस तरीके से लॉक कोड आएगा। सो ये लॉक कोड दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 78 आ रहा है। सो जब भी कोई भी नया एसी इंस्टॉल करते हैं तो हमें लॉक कोड को अनलॉक करना होता है। तो अनलॉक करने के लिए इसके पीछे एक रिमोट पे नंबर दिया हुआ है, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है। जैसे ही कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल और कब आपने और कहाँ से परचेज किया है वो आपको बताना है। वो बताने के बाद आपको इसका अनलॉक कोड मिलेगा। जैसे अभी मुझे इसका अनलॉक कोड मिल गया है D2AC2। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको रिमोट को ऑन करना है और सेवर के बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। सो अभी यहाँ पर 0 आ रहा है। सो अभी आगे जाने के लिए हमें बी लाने के लिए हमें माइनस करना है। तो अभी एफ ई डी सी और बी। सो पहला कोड आ गया बी। कुछ देर के बाद दूसरा डिजिट ब्लिंक करेगा, फिर हमें 2 लाना है। सो ये 2 आ गया। उसके बाद फिर ए लाना है। सो ये ए आ गया और उसके बाद फिर सी लाना है। सी के बाद 2 लाना है। तो हमारा कोड था B2AC2 और इसको एसी के सामने रखेंगे। सो जैसे ही ये मैच करेगा कोड तो 2 बार बी पाएगा और डिस्प्ले पे UL लिखा हुआ आएगा और एसी अनलॉक हो जाएगा। सो अभी एसी अनलॉक हो गया है और ये एसी चालू हो गया है। तो
तो जब भी आप एसी को फर्स्ट टाइम चालू करेंगे तो लगभग 24 डिग्री जो है ये स्टार्ट होगा। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर दिए गए हैं रिमोट के बारे में बताते हैं। तो ये रिमोट का ऑन ऑफ का बटन है, एसी को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इससे टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें स्विंग, हॉरिजॉन्टल स्विंग और वर्टिकल स्विंग दोनों दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अप एंड डाउन के लिए, लेफ्ट एंड राइट के लिए, तो ये दो तरह के स्विंग दिए हैं। तो आप स्विंग को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये फ्लैपर अप एंड डाउन करेगा। और हॉरिजॉन्टल के लिए आप इसको प्रेस करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट का जो अंदर का स्विंग है वो भी रोटेट करेगा। तो इसके अंदर फोर वे स्विंग दिया गया, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्विंग रोटेट करना चालू करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर मोड के बटन दिए गए। तो एसी के अंदर लगभग चार मोड होते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं कूल मोड, उसके बाद फिर ये ड्राई मोड। तो यहाँ पर अभी 5D आ गया है, सो दिस इज नॉट अ एरर, ये 5D नहीं है, ये SD है। SD का मतलब होता है सुपर ड्राई मोड। तो जब भी एम्बिएंट टेम्परेचर 24 से अबव होगा तो यहाँ पर SD लिख कर आएगा। सो ये कोई एरर नहीं है, ये सुपर ड्राई मोड है। चेंज करने के लिए मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट हीट मोड जाएगा। अगर हीट मोड अवेलेबल नहीं होगा तो एसी में काम नहीं करेगा। तो जिस मॉडल के अंदर हीट मोड अवेलेबल होता है उसी में काम करता है। नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो ये फैन मोड पे जाता है। जब भी आप फैन मोड लगाएंगे तो डिस्प्ले पे रूम का टेम्परेचर शो करेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर अप एंड डाउन नहीं होगा, टेम्परेचर अप एंड डाउन नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ओनली रूम का टेम्परेचर शो करेगा। नेक्स्ट अभी हम कूल मोड पे जाते हैं, तो अभी ये कूल मोड आ गया। उसके बाद इसके अंदर 4 फैन स्पीड होता है, तो आप फैन स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे मीडियम पे ये हाई हो गया है, और फिर ऑटो, लो, मीडियम और हाई, इस तरीके से आप फैन स्पीड चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है टर्बो बटन। टर्बो बटन फास्ट कूलिंग के लिए होता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो एसी फास्ट कूलिंग करने लगता है, कंप्रेसर की स्पीड और फैन स्पीड मैक्सिमम पे हो जाती है। सो ये फास्ट कूलिंग के लिए, जब आपको फास्ट कूलिंग की जरूरत हो तो उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप इसके अंदर एक एनर्जी सेविंग मोड है, तो सेवर के बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट 24 सेट हो जाता है और डिस्प्ले पे ई का साइन आ जाता है। सो यहाँ पर टेम्परेचर अप एंड डाउन नहीं होगा, ये 24 पे फिक्स रहेगा। तो ये पावर सेविंग के लिए होता है, तो आप इसको हटा सकते हैं सेविंग सेवर बटन से। देन लैम्प बटन। सो लैम्प बटन को प्रेस करने से डिस्प्ले पे जो टेम्परेचर आ रहा था वो नहीं आएगा। तो ये नाइट के मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हटाना चाहे तो इसको हटा सकते हैं, और फिर से अगर ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लीप का बटन है। तो स्लीप मोड लगाने से ये टोटल 8 आवर का प्रोग्राम होता है। इसमें जो भी आपने सेट टेम्परेचर सेट किया, जैसे 22 डिग्री सेट किया हुआ है, तो ये 1 घंटे के बाद 1 डिग्री अप हो जाएगा, और दूसरे घंटे के बाद 2 डिग्री अप हो जाएगा, और 2 डिग्री अप होने के बाद आगे 6 घंटे तक इसको लगातार मेंटेन करेगा। जब भी आप इसको स्लीप एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मून का साइन आ जाएगा। सो ये स्लीप मोड एक्टिव है, और 8 घंटे के बाद एसी ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड पे, यानी बंद हो जाएगा मॉर्निंग में जाके। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। देन फिर टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ फंक्शन है। सो आप कितने घंटे के बाद एसी को ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ टाइमर ऑफ आप सेलेक्ट कर, जैसे आवर आ गया है यहाँ पर, अभी मुझे 4 आवर के बाद इसको ऑफ करना है, तो यहाँ सेट का बटन प्रेस करेंगे। सो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे 4 शो कर रहा है, तो ये 4 घंटे के बाद एसी ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर टाइमर की लाइट जल गई है, तो 4 घंटे का टाइमर ऑन फंक्शन है। उसके बाद में अगर हमें कैंसिल करना है तो टाइमर के ही बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो ये टाइमर कैंसिल हो जाएगा। सो अभी आपने टाइमर ऑफ फंक्शन देखा, अभी टाइमर ऑन फंक्शन देखते हैं। तो टाइमर ऑन फंक्शन एसी ऑफ कंडीशन में, यानी स्टैंड बाई मोड पे लगता है। जैसे अभी एसी स्टैंड बाई मोड पे है, तो टाइमर ऑन को अभी हम टाइमर ऑन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आवर आएगा। सो अभी अगर मुझे 2 घंटे के बाद एसी को ऑन करना है तो 2 आवर सेट किया और सेट का बटन प्रेस कर दिया, तो डिस्प्ले का आप देख सकते हैं 2 आवर आ रहा है और टाइमर का लाइट ऑन हो जाएगा। सो अभी ये टाइमर एक्टिव हो गया, 2 घंटे के बाद एसी चालू हो जाएगा। अगेन कैंसिल करने के लिए एसी को आप 2 बार प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो टाइमर फंक्शन कैंसिल हो गया, एसी को दोबारा से ऑन करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक फीचर आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्प का बटन दिया हुआ है। जैसे इसको 1 बार प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले पे रूम का टेम्परेचर शो करता है, कुछ सेकंड के लिए आएगा, उसके बाद ये वापस चला जाएगा। उसके बाद ये स्मार्ट एसी है और एडजस्टेबल एसी है। तो जैसे कि हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं एडजस्टेबल एसी, तो इसमें एक वाईफाई और ADG का बटन है। तो अभी हम इसको 1 बार प्रेस करेंगे तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं यहाँ पर AD
और 1.6 आ रहा है, यानी 1.5 टन का एसी है, तो अभी 1.6 टन पे एसी चलेगा, यानी अपने टनेज को ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगेन ये कोई एरर नहीं है, AD16 का मतलब है कि ये 1.6 पे अभी चल रहा है इसे। अगर इसको हटाना है तो आप फिर से ADJ बटन को प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। और टनेज को अगर आपको कम करना है, आपको पावर सेविंग करना है या फिर रूम में कम लोग हैं, तो उस टाइम पे आप फिर से ADJ का बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे अभी AD12 आएगा, यानी ये 1.2 टन पे चल रहा है। फिर से हम इसको कैंसिल करते हैं और टनेज को डाउनलोड कम करने के लिए अगर हमें एसी को 1 टन पे चलाना है तो फिर से ADJ का बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे AD10 आएगा, तो अभी 1 टन पे एसी चल रहा है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि अभी आपका एसी कितने टनेज पे रन कर रहा है, तो ये ब्लिंक करता है। और आप टेम्परेचर को कम ज्यादा करना चाहें तो टेम्परेचर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं। कुछ देर के बाद फिर से वो एडजस्टेबल मोड शो करने लगेगा, यानी आपका एसी एडजस्टेबल मोड पे चल रहा है। अगर कैंसिल करना चाहते हैं फिर से ADJ बटन को प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और डाउन होता है, अगर इसको अगेन फिर से प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे AD07 आएगा, तो ये 0.7 टन पे एसी चल रहा है। सो ये मिनिमम टनेज है इसका, और अगर कैंसिल करना चाहें तो इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये रिमोट का फीचर हो गया है। अभी इसके अंदर और कुछ एडवांस फीचर दिए गए हैं, जैसे कि अगर नाइट में आप एसी चलाते हैं और उस टाइम पे अगर ये साउंड ज़्यादा करता है, आपको सोने में दिक्कत होता है इसका एयर कटिंग वॉइस की वजह से, तो इसके अंदर सुपर साइलेंट फंक्शन दिया गया है, यानी आप इसके स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम का बटन आपको 4 टाइम प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले पे SI आ रहा है, दैट मीन्स ये अभी सुपर साइलेंट मोड पे चला गया है। सो इसका फैन स्पीड कम हो जाएगा, एयर कटिंग नॉइज नहीं आएगा और एकदम साइलेंट चलेगा। सो जब कभी भी आपको ऐसा नॉइज का इशू आता है कि एयर कटिंग साउंड ज्यादा है, इसकी आवाज ज्यादा कर रहा है, तो उस टाइम पे आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हटाने के लिए इसी को हम 4 बार प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो देख सकते हैं ये हट गया है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है, फीचर लेटेस्ट इसके अंदर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं आइस वॉश फंक्शन। तो आइस वॉश फंक्शन, जब भी आप इसका 15 डेज में आप इसका फिल्टर क्लीन करते हैं, तो फिल्टर क्लीन करने के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फिल्टर दिया है वो टॉप साइड में दिया, आपको फ्रंट पैनल ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से फिल्टर निकल जाएगा। लगाने के लिए अगेन इसको आप ऐसे लॉक में रखेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस फिल्टर को तो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, बट जो अंदर का कॉयल है उसको क्लीन करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको साफ करने के लिए इसके अंदर एक आइस वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है। तो उसको एक्टिव कैसे करेंगे, तो इसको ऑन करने के लिए हमें टर्बो का बटन 4 टाइम प्रेस करना होगा। तो फिर से मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4। सो डिस्प्ले पे SC आएगा, दैट मीन्स सेल्फ क्लीन फंक्शन। अभी इसमें एसी यानी जो ब्लोअर है वो ऑफ हो जाएगा, पैनल ये स्विंग पैनल क्लोज हो जाएगा और ये लगभग 8 मिनट के लिए आउटडोर चलता रहेगा और इसके ऊपर पूरा आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लगभग 12 मिनट का प्रोग्राम होता है और उसके बाद क्या होगा, एसी हाई स्पीड पे चालू होगा और जो भी कॉइल के ऊपर डस्ट है वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगी। तो इसको लगभग 15 दिन में आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कॉइल की क्लीनिंग के लिए। तो ये बेस्ट फीचर है इस मॉडल के अंदर। तो अभी हमने लेटेस्ट लगभग सारे फीचर क्लीन कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जब भी इसका एक टाइम है कि अगर एसी लगभग 600 घंटे कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे फिल्टर क्लीन के लिए डिस्प्ले पे CL लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले हम इसका सुपर सेल्फ क्लीन फंक्शन हटा देते हैं। सो 4 टाइम प्रेस करेंगे हट जाएगा। अभी अगर कभी भी आपको यहाँ पर CL लिखा हुआ आता है तो वो फिल्टर क्लीन रिमाइंडर इंडिकेशन है, जब भी वो आएगा तो आपको फिल्टर क्लीन करना है और उसके बाद स्लीप का बटन 4 टाइम प्रेस करेंगे तो वो CL जो इंडिकेशन आया था वो रिमूव हो जाएगा। बात करने का है वाईफाई कनेक्शन के लिए, तो इसको जब भी कनेक्ट करेंगे ना तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का मॉडल चेक करना है। प्रोडक्ट के मॉडल में स्मार्ट होना जरूरी है।
रिमोट से मतलब नहीं है, सारे रिमोट में वाईफाई का बटन आएगा, बट जिस भी प्रोडक्ट में स्मार्ट लिखा हुआ है, जैसे अभी जो हमारे पास एसी है तो आप मॉडल नंबर देखेंगे तो उसके अंदर स्मार्ट लिखा हुआ है, अगर स्मार्ट लिया है तो आप उसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर, कस्टमर के घर पे राउटर होना जरूरी है, राउटर या क्या बोलते हैं जियो फाइबर होना चाहिए, जियो या फाइबर होना चाहिए, कभी भी मोबाइल के हॉटस्पॉट कनेक्शन से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा फिक्स राउटर से कनेक्ट करेंगे। थर्ड, आपके पास में इसका आईडी एंड पासवर्ड दोनों होना चाहिए, जो वाईफाई राउटर का नाम है जो भी आपने घर में सेलेक्ट किया होगा वो होना जरूरी है। फोर्थ, कस्टमर के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, वो एप्पल भी हो सकता है और एंड्रॉयड भी हो सकता है। तो दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट, आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वोल्टास स्मार्ट। तो जब ये आपको पांचों चीजें मिल जाएंगी तभी इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी अगर मैच नहीं कर रहा है या कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पांच चीजें होना जरूरी है। तो जब भी आप कोई भी वाईफाई कनेक्शन करते हैं या आपको वाईफाई कनेक्ट करना है एसी के साथ, तो ये आपको प्रोडक्ट मॉडल चेक करना है, उसके अंदर स्मार्ट फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है, राउटर अवेलेबल है कस्टमर के पास में या नहीं, आईडी पासवर्ड उसका होना जरूरी है, और स्मार्टफोन एप्पल या एंड्रॉयड हो सकता है, और वोल्टास स्मार्ट प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इसका वाईफाई कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए अभी हमारे पास में स्मार्टफोन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे। सो ये प्ले स्टोर पे गए और यहाँ पर टाइप करना है आपको वोल्टास स्मार्ट। सो यहाँ पर वोल्टास स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो इंस्टॉल करते समय आप यहाँ पर देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक लॉग इन विथ एग्जिस्टिंग अकाउंट और साइन अप। सो अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना होगा। सो साइन अप करने के लिए सबसे पहले कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर हम अपना मेल आईडी डालेंगे। सो मेरा जो भी पर्सनल मेल आईडी है मैं उसको एंटर करूँगा। सो अभी मेल आईडी डाल दिया, उसके बाद गेट वेरीफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। वेरीफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो अभी हमको मेल पे जाना है। सो अब हम मेल को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टास स्मार्ट से एक मेल आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कोड आप देख सकते हैं 763684 कोड आया हुआ है, तो हम इसको एंटर करेंगे अपने एप्लीकेशन में। सो 763684। उसके बाद हम पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। सो हम पासवर्ड डालते हैं VOLTAS@1234। सो हमने पासवर्ड डाल दिया। सो ये पासवर्ड सेट हो गया और गो टू द ऐप पे जाते हैं, अलाउ करते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जा रहा है ये ऐड डिवाइस पे। सो अभी मेरा अकाउंट बन गया, अब हम ऐड डिवाइस पे जाएंगे और सेटिंग पे लोकेशन एनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अभी हम एयर कंडीशनर को कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो एयर कंडीशनर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये रीसेट द डिवाइस का एक ऑप्शन दे रहा है कि टर्न ऑन योर एसी एंड प्रेस द वाईफाई बटन 4 टाइम अनटिल द स्क्रीन शो एसी। तो ये स्टेप है, इसको हम फॉलो करते हैं। सो सबसे पहले हम एसी को ऑन करेंगे। तो एसी ऑन हो गया है। तो एसी ऑन करने के बाद इसमें जो स्टेप बता रहा है, हमें वाईफाई का बटन 4 टाइम प्रेस करना है जब तक डिस्प्ले पे एस से नहीं आता। तो हम वाईफाई का बटन 4 टाइम प्रेस करते हैं, 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एस से आएगा, तो इसका स्मार्ट एसी फंक्शन एक्टिव हो गया है। और हम फिर कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी वाईफाई होगा वो 4G होना चाहिए, 5G पे ये कनेक्ट नहीं होगा, ये हमेशा
4G पे कनेक्ट होगा। यहाँ पर जैसे अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बहुत सारे वाईफाई आते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने वाईफाई नेटवर्क पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4G 5G 4G 5G, तो हमेशा जो भी हमें सेलेक्ट करना है वो 4G सेलेक्ट करना है, कभी भी 5G पे नहीं कनेक्ट होगा, तो इसका ध्यान रखना है। सो हम यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड एंटर कर दिया है, पासवर्ड एंटर कर दिया, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर 3 स्टेप्स दिखाएगा, सबसे पहले स्कैन द डिवाइस, उसके बाद रजिस्टर ऑन द क्लाउड और इनिशियल द डिवाइस, ये 3 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये चालू नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर डन आ गया है और यहाँ पर एसी का नाम आ गया है, तो यहाँ पर जैसे अभी दिखा रहा है मैगनॉन AQI AC, तो हम यहाँ पर AC का नाम रख सकते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं ये वोल्टास ट्रेनिंग AC, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट है तो हम इसको ट्रेनिंग के लिए डाल देते हैं। सो ये AC का नाम चेंज हो गया है, अभी हम इसको डन करते हैं। सो हम AC को अब कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है वो आ रहा है, अभी हमें कम करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये कम हो जाएगा, अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फैन स्पीड अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक साइलेंट का फंक्शन है तो आप साइलेंट लगाएंगे तो यहाँ पर जो सुपर साइलेंट फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ऑटो करना चाहते हैं ऑटो कर सकते हैं, लो मीडियम हाई करना चाहते हैं तो लो मीडियम हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं कूल ड्राई और फैन मोड, क्योंकि इस मॉडल के अंदर 3 ही मोड अवेलेबल हैं, हीट मोड नहीं है। तो जैसे ही ड्राई मोड लगाएंगे तो अगेन डिस्प्ले पे 5D लिखा होगा, ये 5D नहीं है ये SD है, इसको सुपर ड्राई मोड बोलते हैं, तो हटाना चाहें तो आप कूल मोड लगा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि वर्टिकल स्विंग, हॉरिजॉन्टल स्विंग एक्टिव है, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्विंग हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल काम करना बंद कर जाएगा, और अगर वर्टिकल बंद करना चाहते हैं तो वर्टिकल बंद कर सकते हैं। तो ये स्विंग का फंक्शन है, लैम्प की है, लैम्प को प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले पे टेम्परेचर नहीं आएगा, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो लैम्प को फिर से ऑफ कर सकते हैं तो डिस्प्ले पे टेम्परेचर आ जाएगा। देन स्लीप है, टर्बो है, जैसा कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ टर्बो फास्ट कूलिंग के लिए होता है, सो फास्ट कूलिंग के लिए आप इसको चला सकते हैं और इसको ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं। सेवर है पावर सेविंग के लिए, और आइस वॉश फंक्शन अगर रिमोट से आप नहीं करना चाहते तो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आइस वॉश लगाएंगे तो यहाँ पर सुपर सेल्फ क्लीन फंक्शन एक्टिव होगा, सो इस केस में क्या होगा इसी 8 मिनट तक बंद रहेगा और कॉइल के ऊपर आइस फॉर्मेशन हो जाएगा और कुछ देर के बाद ब्लोअर की स्पीड हाई हो जाएगी और आइस को मेल्ट करके जो भी कॉइल के ऊपर डस्ट थी उसको वो रिमूव कर देगा ड्रेनेज के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है इस मॉडल के अंदर, इसको आइस वॉश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो इसको हटाने के लिए आप इसको फिर से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस मॉडल के अंदर एक फंक्शन और आया हुआ, दैट इज़ इंस्टॉलेशन चेक, इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा प्रोडक्ट के अंदर तो ये यहाँ पर NG लिख कर आएगा, सो ये चेक कर रहा है। सो प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सो हमने इसको स्टार्ट कर दिया। सो ये इंस्टॉलेशन चेक है, जब भी आप इससे इंस्टॉलेशन चेक करोगे तो उस केस में ये प्रोडक्ट के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को चेक करेगा, PCB को चेक करेगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उस पर NG आएगा और उसका एरर कोड आएगा। सो नेक्स्ट ADJ फंक्शन, सो ADJ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसके टनेज एडजस्ट होंगे, जैसे कि 1.6 आ रहा है, AD16 का मतलब 1.6 पे चल रहा है, अगेन फिर से प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग टनेज पे चलेगा, AD12 आ रहा है तो 1.2 टन पे चलेगा, अगेन फिर से चेंज करेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 स्टेप है, एक स्टेप अप जाता है और एक बाय डिफॉल्ट जो 1.5 टन का है वो रहेगा और 3 स्टेप डाउन होता है, तो AD16 1.6 टन, AD12 1.2 टन, AD10 1 टन और AD07 0.7 टन, तो इस तरीके से आप इसके टनेज को एडजस्ट कर सकते हैं। देन एनर्जी कंजप्शन,
आप यहाँ पर स्टैटिक्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चार्ट बन के आ रहा है डेली का क्या पावर कंजप्शन है, वीकली का क्या है और मंथली का क्या है। अभी जस्ट एसी इंस्टॉल किया है इसलिए इसका कोई डेटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट फीचर, आप अपने फ़ोन के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो आप एक बार इसको कनेक्ट करने के बाद आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट करने के लिए कंडीशन ये है आपके फ़ोन में डेटा होना चाहिए, आप वाईफाई में अगर नहीं है खाली डेटा में है तब भी आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। आपके घर के अंदर राउटर ऑन होना चाहिए और एसी पावर प्लग इन हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने इसका डेटा ऑफ कर दिया है, वाईफाई ऑफ कर दिया, ओनली डेटा ऑन है, तो अभी मैं कहीं से भी इसको ऑन कर सकता हूँ, तो एसी ये ऑन हो जाएगा और जो भी टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक फीचर और है, जब भी एसी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पर आपको एक ये वार्निंग आइकन दिखाई देगा, जैसे एसी में कोई एरर है और आप घर पे नहीं हैं तो अगर आप इस पर चेक करोगे तो आपको ये शो करेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये एरर चेक रिजल्ट बताएगा। तो इंडोर आउटडोर और इंडोर का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ई चेक कर सकते हैं, तो ई चेक अगर नहीं होता है तो उस केस में सीधे डायरेक्ट आप कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐप के थ्रू भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मशीन में एरर है, अभी हम एरर को रिजॉल्व करके दोबारा से मशीन को चालू करते हैं। तो अभी एरर को रिजॉल्व कर दिया है तो ये फिर से दोबारा से काम करने लगेगा। तो अभी इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वाईफाई कनेक्ट करने पे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं, और आप सेम चैनल पे जाके आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो उधर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो उधर आप व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।